हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सीबीएसई 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस। आपका जो एनुअल बोर्ड का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का, 80 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो 20 मार्क्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट के रूप में आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, जो आपके टेस्ट होते हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसके आपके स्कूल स्तर पे भेजे जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे विषय आपका जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी आप किसी एग्जाम को देने जाओ तो उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका वेटेज क्या रहता है, ये सारी जानकारी हमें अच्छे से होती है तो हमें किसी भी प्रकार का बोधरेशन फेल नहीं होता है। तो आपके यहाँ पे जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी और सी। सबसे पहले आपका आता है रीडिंग स्किल से रिलेटेड ए सेक्शन, जो कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। सेकंड सेक्शन आएगा आपका राइटिंग स्किल विद ग्रामर, जो 30 मार्क्स का है। एंड थर्ड सेक्शन आएगा जो आपकी बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर रीडिंग्स एंड आपकी टेक्स्ट बुक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 30 मार्क्स के हैं। एंड टोटल ये आपके पेपर हैं वो 80 मार्क्स का होगा। अब हम डिटेल में ये पता करेंगे कि प्रत्येक जो पार्ट्स हैं उस पार्ट से किस किस प्रकार के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं सेक्शन ए, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल पहले ही बता चुका हूँ 20 मार्क्स की होती है, और इसमें आपके दो अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज का मतलब ऐसे पैसेज जो आपकी टेक्स्ट बुक से में से नहीं आते हैं, ये बाहर से आते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पैसेज है इसमें से आप 8 मार्क्स का है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और 1 × 8 ये फर्स्ट आपका पैसेज है वो 8 मार्क्स का है। इसके अलावा इसी में रीडिंग स्किल में सेकंड पैसेज जो आएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इसमें एक तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने होते हैं, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पैसेज का है उसमें 2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टोटल हो गए 8 मार्क्स। और इसी सेकंड पैसेज में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप वोकैबुलरी चेक करने के लिए 4 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो ये टोटल हो गए 8 + 4 12 मार्क्स का हो गया आपका सेकंड पैसेज, 12 + 8। इस प्रकार से ये आपके अनसीन पैसेज 20 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी सेक्शन। बी सेक्शन के अंदर राइटिंग स्किल और ग्रामर से रिलेटेड है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, और ये टोटल कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, 30 नंबर का आता है। अब देखें हम राइटिंग स्किल में क्या पूछा जाता है। राइटिंग स्किल में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें फॉर्मल लेटर है आपके सिलेबस में, जिसमें कंप्लेन, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर टू एडिटर और आर्टिकल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह आपके पिछले साल 8 मार्क्स का था, पर इस साल इसको कितने नंबर का कर दिया है, 10 मार्क्स का कर दिया गया है। इसी राइटिंग स्किल के अंदर सेकंड क्वेश्चन आता है, पिछले साल यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया करता था, लेकिन इस साल चेंजेज करके पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ एटसेट्रा, इस पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, और ये भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। इस प्रकार 10 मार्क्स का आपका फॉर्मल लेटर हो गया,
जिसमें आर्टिकल भी शामिल है। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है और ये आपके आपके पैराग्राफ राइटिंग 10 मार्क्स की। 20 हो गए हैं, अब इस सेक्शन में से 10 मार्क्स और बचे हैं और 10 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं इस ग्रामर से रिलेटेड। अब देखो ग्रामर में ये काफ़ी टॉपिक दे रखे हैं, टेंस भी हैं, मॉडल भी हैं, यूज ऑफ पैसिव वॉइस हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड हैं, रिपोर्टेड स्पीच हैं जिसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन हैं, क्लोज हैं, क्लोज में आपके सिलेबस में नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, रिलेटिव क्लोज हैं और डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशन। इन जो ग्रामर वाले टॉपिक दे रखे हैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करो, या एक्टिव से पैसिव चेंज करो, या फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाता इसमें। लेकिन इस इन पूरे टॉपिक को कहाँ पे चेक किया जाता है, ये जो दो चीज़ें हैं इनमें चेक किया जाता है। और यहाँ पर भी इस साल थोड़ा चेंजेस किया है, यहाँ पे एक तो क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग एंड एडिटिंग, जो ऊपर वाले टॉपिक दे रखे थे वो यहाँ पे चेक किया जाता है। क्लोज पैसेज मीन्स एक पैसेज दे रखा है और उसमें बीच बीच में कोई ब्लैंक्स दे रखी होती है जिसको आपको ग्रामेटिकली रूप से करेक्ट करनी है, गैप फिलिंग है या एडिटिंग, कोई पैराग्राफ दे रखा है जिसके अंदर कोई एरर है उसको आपको एडिट करना है, तो ये आपके 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये टॉपिक पिछले साल नहीं था, यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस साल डायलॉग राइटिंग्स एंड रिपोर्टिंग डायलॉग्स ऑन गिवन क्ल्यू, कोई ऐसा क्ल्यू दे रखा होगा जिससे रिलेटेड आपको डायलॉग लिखना है, तो ये आपके 6 मार्क्स आए। तो आपके सिलेबस में जो ग्रामर है वो कितने मार्क्स की होगी, 4 + 6 10 मार्क्स की एंड 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपका है जो बुक है, दोनों बुक, फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है एंड फुट प्रिंट विदाउट फिट जो आपकी सप्लीमेंट्री एडिट है, इनमें से आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के, 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अपन वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज पोएट्री ड्रामा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन द इंटरप्रिटेशन। अब आपका जो लेशन में से, पोएट्री में से या जो ड्रामा में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 2 मार्क्स का है, तो ये हो गया 4 मार्क्स। पिछले साल यहाँ पे ऐसे ही प्रोज पोएट्री या ड्रामा में से लाइनें पूछी जा रही थी और उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछे गए थे, लेकिन इस साल के सिलेबस में ये थोड़ा चेंजेस कर रखा है। इसी में क्वेश्चन नंबर 8, 5 शॉर्ट आंसर टाइप आउट ऑफ 7 टू बी, यहाँ पे आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का कितना वेटेज है, 2 मार्क्स का है, इस प्रकार से 10 मार्क्स। और 2 क्वेश्चन आपके 8-8 नंबर के, एक आपके फर्स्ट फ्लाइट में से पूछा जाएगा और सेकेंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका फुटप्रिंट विदाउट फिट में से पूछा जाएगा। आपके पास ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए जिससे आपके माइंड में सेट रहे कि कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, जिससे आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। थैंक यू।